बेमेतरा जिले के देवकर चौकी में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं पहुंची। चौकी में मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे। वही पुलिस कर्मियों ने बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन दिया। जहां राखी बांधने पहुंची सुश्री सुनीता अग्रवाल ने कहा कि आज पुलिस भाइयों को राखी का पवित्र धागा बांधने आए हैं, जिसमें हम सभी बहनों का प्यार समाहित है। आज की स्थिति में महिला उत्पीड़न का केस हर जगह नजर आ रहा है। कुछ प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस रक्षा सूत्र को बांध कर याद दिलाए हैं कि हम बहनों की रक्षा करना आपके हाथों में है। वहीं चौकी प्रभारी जी आर वर्मा एएसआई चौरे ने रक्षा सूत्र बंधवाकर बहनों को हर संभव मदद व रक्षा करने का वचन दिया। सर, कुछ महिलाएं राखी बांधने के लिए आई हुई थी। हाँ, हर साल की तरह इस साल भी राखी के दिन पूर्व यहाँ के महिला मंडल की बहनें राखी बांधने के लिए आई थी, और उसमें अनिता अग्रवाल, उसकी बहन सुनीता अग्रवाल और बहनें थी जो हर साल की तरह राखी बांध करके मिठाई खिला करती थी। क्या वजह से आए हैं? हम लोग महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष पूरा मोर्चा एक साथ मिलकर आए हैं। हमारा उद्देश्य सावन महीना के अंतिम सप्ताह में भाई को प्रेम के बंधन में बांधने के लिए एक राखी का धागा लेकर आए। इस राखी के धागे में महिलाओं का प्रेम छुपा हुआ है। उस प्रेम को भैया लोग की आशीर्वाद की जरूरत है। आज प्रशासनिक अधिकारी हमारे पीछे काम नहीं कर रही। इनका मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए अपराध को रोकना है, और इस अपराध को रोकने के लिए महिलाएं इनके शरण में आई कि ये अपराध आप रोकिए, नहीं तो हम आगे फिर इस अपराध को रोकने के लिए आपके पास दोबारा आना ना पड़े। ये राखी का बंधन आपके हाथों में जो बांधा हुआ है, बंधन नहीं है, ये आपको हमेशा याद दिलाएगी कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना है।